Ooh, this is looking nice. Before anyone asks, yeah, Swiss Beauty ka bold wine 21 shade. So yeah, hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Today I'll be talking about some tools that made my life very, very, very easy and simple. वो जो Instagram reels की भाषा में बोले तो Amazon buys that made my life easy. वैसे reels चलती है ना आजकल, तो उसी टाइप की वीडियो कहीं ना कहीं होने वाली है. ये सारे टूल्स एक्चुअल में काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं, कुछ भी इसमें गिमिक ही नहीं है. लेकिन सिर्फ एक चीज है जिसकी मैं अभी गारंटी ले रही हूँ, बिकॉज वो अभी डिलीवर हुई है. मैं वीडियो के आइडियाज ना पहले से ही बना के रखती हूँ, लिख के रखती हूँ नोट्स में, मैं इस दिन ये फिल्म करने वाली हूँ. तो मैंने ये प्रोडक्ट इस लिस्ट में डाला हुआ था, आई वाज लाइक रिसीव हो जाएगा पहले टेस्ट करके फिर इंक्लूड कर दूंगी, लेकिन अभी जस्ट वो रिसीव हुआ है एक घंटे पहले. तो आप सबके सामने हम टेस्ट करके देखेंगे कि वो गिमिकी है फिर नहीं है. सो उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. इफ यू आर न्यू हियर, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब बटन पे हिट करके मेरी फैमिली का पार्ट होना है, बिकॉज हम अच्छे अच्छे वीडियोज बनाते रहते हैं, कशिका ज्ञान मैं बांटती रहती हूँ. सो अगर आप उस ज्ञान को रेगुलर बेसिस पे सुनना चाहते हो तो आपको सब्सक्राइब बटन पे हिट करना पड़ेगा. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ग्रूमिंग टूल नंबर वन इज बेसिकली अ किट. ये है आईब्रो फेशियल शेविंग किट है, और मैंने ये रैंडमली ले ली थी अमेजोन से, बट ट्रस्ट मी ये काफी ज्यादा यूजफुल है. आपको सारी चीज इसके अंदर मिल जाती है. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप फेस शेविंग करते हो या फिर आप अपना ब्राइडल ट्रूसो बना रहे हो ना, आई थिंक एक किट ले लो, आपके सारे काम इससे हो जाएंगे. नंबर वन, वी हैव अ स्पूली जिससे आप अपने आईब्रोज को कोम कर सकते हो. जब भी आप शेव करते हो आईब्रो को, हल्का सा शेविंग भी करते हो ना, तो पहले कोम करना जरूरी होता है. देन नेक्स्ट वी हैव अ फेस रेजर, ये बड़े वाला रेजर है, जिससे आप अपनी फेशियल शेविंग कर सकते हो. देन नेक्स्ट वी हैव अ ट्वीजर, और ट्वीजर भी ऐसा नॉर्मल वाला नहीं है, इस साइड आपको ट्वीजिंग के लिए मिल रहा है. मैंने अभी खोला नहीं है बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक ट्वीजर है, तो मैं इसको अभी उठा के रखा है. प्लस इस साइड आपको ये कोम मिलता है, कैन यू सी वी हैव अ कोम साइड एज वेल. तो इससे आप इसे कोम करके और ट्वीजिंग भी कर सकते हो. सो अगर आप ट्रैवलिंग के टाइम कुछ एक चीज ही कैरी करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो रियली गुड. देन नेक्स्ट वी हैव अ सीजर, इसके बारे में तो मैंने काफी बार बात करी है. मैंने ये किट आपको शायद किसी मंथली फेवरेट में दिखाई थी, उसमें मैंने इसी सीजर को फीचर किया था, बिकॉज ये सीजर एक्चुअली बहुत अच्छी है. इसमें एक बहुत अच्छा कर्व है, लाइक आई डोंट नो इफ माई कैमरा कैन पिक और नॉट, यू कैन सी अ लिटिल कर्व ओवर हियर. और ये कर्व बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आप ये वाले बाल कट करते हो, बिकॉज वी ऑल नो ये वाले जो हेयर ग्रोथ होती है आईब्रो की, ये थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट होती है, तो यहाँ पे एक कर्व चाहिए होता है ताकि वो एकदम परफेक्ट आए. ये सीजर काफी हेल्पफुल है. नेक्स्ट भी आप फोल्डेबल रेजर, जैसे फोल्ड हो जाता है तो आप इसके ट्रैवल कर सकते हो, ये कोई कट नहीं करेगा, अच्छे से फोल्ड हो जाता है. एंड एट लास्ट वी हैव एन आईब्रो रेजर एज वेल, आईब्रोज अपर लिप्स को शेव करने के लिए. सो इसकी भी ऐसे लिड आती है, यू कैन सी इट हैज अ कोम राइट ओवर हेयर, तो इससे आप कोमिंग भी कर सकते हो और फिर आप इजीली शेव कर सकते हो. और ये जो एरिया है ना, ये एकदम परफेक्ट है, मतलब ये सेंटर से एकदम नीट निकलता है, तो मेरा ये वाला एरिया काफी इजीली शेव हो जाता है. जब भी हम बड़े बड़े रेजर यूज करते हैं, स्पेशली ये वाले एरिया में, लाइक यू कैन सी इतना बड़ा रेजर इस एरिया में लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये वाला रेजर काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. सो आई थिंक दिस किट इज लाइक एवरीथिंग, आपको हर चीज एक पाउच के अंदर मिल रही है, सो डेफिनेटली अ मस्ट है. नेक्स्ट टूल इज फ्रॉम द ब्रांड एलन ट्रूमैन, इसका मैंने कशी क्विक रिव्यू ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे किया, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो हाई फाइव, आपने ऑलरेडी वो देख लिया होगा. सो ये एलन ट्रूमैन का द ब्लो ब्रश, काफी बड़ा ये बॉक्स है बिकॉज अंदर से भी ये काफी बड़ा है. सो अगर आप डायसन ही अफोर्ड कर सकते हैं, आजकल काफी लोग ये कहते हैं कि डायसन का एक सस्ता ड्यूप है, बिकॉज डायसन में भी वही सिस्टम होता है, उसमें एक ब्रश होता है, उसमें आगे ब्रश लगा होता है, अंदर से एयर आती है, तो आप उससे अपने बाल ड्राई भी कर सकते हो. एट द सेम टाइम आपके थोड़े बहुत बाल जो है हल्के से स्टाइल भी हो जाते हैं. तो डायसन का आता है वो एकदम फ्लैट वाला ब्रश आता है, इसमें आपको पूरा ऐसे बड़ा मिलता है, इट हैज अ लॉन्ग वायर एज वेल. और यहाँ पे आपको मिलते हैं कंट्रोलर, वी हैव फोर यहाँ पे आपको कंट्रोलर मिल रहे हैं, एक है ऑफ का, कूल, लो एंड हाई. तो जब कूल पे करते हो हल्की सी ठंडी हवा आती है, तो आप उससे अपने नॉर्मल बाल ड्राई कर सकते हो, और जब आप हाई पे करते हो प्रॉपर गर्म हवा आती है, उससे आपके बाल ड्राई भी हो जाते हैं, एट द सेम टाइम थोड़े बहुत स्टाइल भी हो जाते हैं. आप इस वीडियो में भी देख सकते हो मेरे बाल हल्के से टेम डाउन लग रहे थे. सो अगर आप सुबह लेट हो रहे हो, आप ऑफिस जाना है, आपको स्कूल जाना है या कहीं पर भी जाना है, ये वाला आपको अपने बाल सुखाने भी, एट द सेम टाइम आपके बाल थोड़े से टेम डाउन हो जाए, आई थिंक ये काफी सही टूल है. द ओनली थिंग इज इसको क्लीनिंग में थोड़ी सी इरिटेशन होती है. आई विश ये अपने इस पूरे बॉक्स के अंदर एक क्लीनिंग टूल भी देते, जैसे कुछ कुछ ब्रांड्स होते हैं ना ऐसे क्लीनिंग के लिए एक टूल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे बाल फंस जाते हैं. यू कैन सी मेरे बाल अभी हल्के हल्के फंसे भी हुए हैं, बिकॉज इसमें ब्रश के नीचे ना कुछ ऐसे वायर वाला भी दिया हुआ है, जिससे बाल आपके और अच्छे सेपरेट होकर स्टाइल होते हैं, तो वहां पर बाल हल्के से फंस जाते हैं. आई विश इसके साथ कोई टूल आता, अगर मेरे पास कोई पुराना पड़ा होगा ना, तो मैं उसके थ्रू इसको स्क्रेप करके क्लीन कर दूंगी ताकि बीच के बाल निकल जाए. अदरवाइज ये काफी सही है. इनकी गोल्ड प्लेटिंग एक सेरामिक वाला भी आता है, मैंने नॉर्मल ब्लैक कलर का लिया हुआ है. मुझे उस टाइम जो अमेजोन पे सस्ता मिला मैंने वही ऑर्डर कर दिया था, बट आई रियली लाइक इट, अगेन अ वेरी नाइस टाइम सेविंग टूल. नेक्स्ट अमेजोन फाइंड इज दिस माइक्रो फाइबर क्लेंजिंग वाइप्स या फिर
पैड्स आप कुछ भी बोलो, ये सेट ऑफ टू में आते हैं। मेरे पास एक ब्लैक कलर का और ये ब्राउन कलर का है। अब मैंने इसको डिवाइड कर लिया, मैं वो वाला अपने फेस के लिए यूज़ करती हूँ, उसको अपनी बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ। येस, ये खाली मेकअप रिमूव करने के काम नहीं आते, आप लिटरली अपने बॉडी पे भी जो ब्लीच लगाते हो या कोई पैक आपने लगाया होता है या फेस पैक भी आप लगाते हो ना, क्या होता है कभी भी आप फेस पैक्स भी लगाते हो ना, उसको पानी से आप हटाओ बहुत टाइम लग जाता है, आप पानी इतना ज़्यादा अननेसेसरी वेस्ट करते हो। सो ये डेफिनेटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली, एट द सेम टाइम आपका पानी बहुत बचता है, बिकॉज आप उसको गर्म पानी में डिप करो, अपना मेन पूरा पैक उतार सकते हो, बॉडी से जो भी पैक उतारना है वो उतार सकते हो, और फिर आप वाटर से रिंस ऑफ कर सकते हो जो रेसिड्यू होता है। सो ये काफ़ी हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे एक रील बनाई थी, मैं वो इंसर्ट करने वाली हूँ कि मैं अपना मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ। सो सबसे पहले मैं ऑयल लेती हूँ, ऑलिव ऑयल या कोई भी मेकअप क्लेंजिंग ऑयल आप ले सकते हो, मसाज किया स्किन पर अच्छे से, बिकॉज ऑयल से ही अच्छे से आपका मेकअप ब्रेक डाउन होता है। फिर मैं इसको डिप करती हूँ हल्के से वार्म वाटर से, बिकॉज वार्म वाटर से आपका सारा ऑयल भी अच्छे से निकल जाता है। इसको स्क्वीज आउट करके सारा अच्छे से रिमूव कर लेती हूँ, सारा मेकअप इतना ब्यूटीफुली रिमूव होता है। अगर आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हैं, आपने हल्का फुल्का मेकअप किया, तो आप हल्का सा माइसलर वाटर भी डाल सकते हो और फिर ऐसे डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, एंड देन यू कैन वॉश इट। मेरे पास एक दो फेस वॉश है जो मुझे इतना स्किन पर सूट नहीं करते, तो उन फेस वॉश से मैं इसको क्लेंस करती हूँ। मैं साथ के साथ ही इसको फेस वॉश से दोनों साइड से अच्छे से क्लेंस करके फिर अपने वहीं पे जहाँ पे आप टॉवल हैंग करते हो ना, मैं इसको वहाँ पे हैंग कर देती हूँ। इसके साथ ही ऐसा टैग कुछ आता है, तो इसी के थ्रू ऐसे हैंग करके रख देती हूँ, सुबह तक ये सूख भी जाता है, एंड देन मैं उसको नेक्स्ट डे रीयूज कर लेती हूँ। तो आपके कॉटन पैड्स भी काफी सारे बच जाते हैं। नेक्स्ट मस्कारा एप्लीकेटर टूल, आई नो आप सोच रहे हो कि मस्कारा को अप्लाई करने के लिए भी मैं अलग से टूल लूंगी, बट डेफिनेटली ये बहुत काम आता है। मैंने भी ऐसे मजे में ले लिया था, बट ये एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है। आप जब यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे हैक्स देखते हो, इंस्टाग्राम रील्स पे आप हैक्स देखते हो ना, फालतू के ऐसे स्पून रख रहे होते हैं, फिर फोक रख देते हैं, ब्रश के पीछे का साइड रख के ऐसे मस्कारा लगाते हैं, बिकॉज काफी बार जब मस्कारा जल्दी में लगाते हैं ना, आईलेट्स पे टच हो जाता है। इमेजिन आपने इतनी मेहनत करके आई शेडो लुक क्रिएट किया, आपका मस्कारा यहाँ पे टच हो गया, ब्लैक हो गया, सारा मेसअप हो गया। तो उसको यूज कैसे करना होता है, आपको होल दिख रहा है, आपको इस होल को सेंटर में प्लेस करना है बिल्कुल अपनी आईलेट्स के ऊपर, और फिर आप ऊपर वाली आईज पे मस्कारा लगा सकते हो, आईलैश पे बेसिकली, और फिर इसी को ही टूल की जो आपको ऊपर टिप दिख रही है, इसी को आप नीचे प्लेस करके फिर नीचे भी मस्कारा लगा सकते हो। तो दोनों वे से आपके ऊपर आईलेट बच जाती है, नीचे वाला अंडर आईज का एरिया बच जाता है, वहाँ पे मस्कारा स्पिल नहीं होता। और इससे मैंने नोटिस किया मेरा मस्कारा काफी इवन लगता है, बिकॉज जब मैं इसको प्लेस करके इसके ऊपर जब लैश के ऊपर लगता है ना, तो एक एक लैश सेपरेट भी काफी सही तरीके से होती है। द ओनली थिंग इज इसकी बॉडी थोड़ी सी फ्लिमजी है, तो इसको प्लीज ध्यान से रखना। और पीछे इसमें आप ऐसे कोम टाइप भी मिलता है, जिससे आप इसे कोम भी कर सकते हो, लेकिन कोम भी और आईब्राउज और हल्की हल्की आप लैश को भी सेपरेट कर सकते हो। सो ओवरऑल काफी सही चीज है, थोड़ी सी गिमिकी लगती है, बट डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट ग्रूमिंग टूल इज फॉर योर बॉडी, काफी वियर्ड लगता है देखने में, बट ये एक्चुअल में सही है, मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर आपके भी हाथ पीछे नहीं जाते हैं। काफी बार हमारा बैक पे कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, आपके हाथ पूरे वहाँ पे जाते नहीं है, फिर आप उस चीज को क्लीन नहीं कर पाते, वहाँ पे रैश हो जाता है, वहाँ पे काफी बार डार्कनेस हो जाती है, बॉडी एक्ने भी हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है, वो चीज क्लीन नहीं हो पाती। तो उस सेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो कुछ सिलिकॉन मटेरियल का इस तरह से आपको यहाँ पे हैंडल मिल रहे हैं, प्लस आपको इस साइड मिल रहे हैं ये कुछ ऐसे ब्रिसल्स, सिलिकॉन के ऐसे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से ब्रिसल्स मिल रहे हैं, यू कैन सी, जो काफी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है। तो अगर आपको बॉडी एक्ने भी है ना, तभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये इतने ज्यादा हार्श नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपने थोड़ा सा पहले इसको साफ कर लिया, फिर इसके ऊपर आप बॉडी वॉश अपना स्प्रेड कर सकते हो अच्छे से, फिर इसको ऐसे पीछे लेके जाओगे, एंड यू जस्ट हैव टू डू दैट सलमान खान वाला स्टेप, ऐसे ऐसे करना होता है। सलमान खान का स्टेप था ना, पता नहीं कौन सा सलमान खान का स्टेप था। सो आप दो तीन तरीके से ऐसे करके अपनी बैक को क्लेंस कर सकते हो, और पीछे भी इसमें आप ऐसे डॉट डॉट मिलते हैं, यू कैन सी राइट हियर, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ एक्यूप्रेशर जैसा मिलता है। सो इसके थ्रू भी आप क्लेंसिंग कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा मसाज देना चाहते हो खुद को, या लाइक एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आप स्पा नहीं जाना चाहते, आप खुद ही घर में अपनी ग्रूमिंग करना चाहते हो, तो ये भी उसमें काफी काम आता है। ये डॉट डॉट वाला जो एरिया है, इससे काफी अच्छे से बैक पे मसाज हो जाती है। और मैंने ना इसकी यूट्यूब शॉर्ट्स देखी थी, जो चाइना एंड ऑल की वीडियोज नहीं आती, जैसे फटाफट समझा रहे होते हैं, सो उसमें वो खड़े होकर अपने पैरों को भी इससे क्लेंस कर रहा था। तो अगर आप शावर लेते हो, यू आर अ वेरी टॉल पर्सन, या फिर आपको बैक के इश्यूज हैं, आप नीचे झुक के अपने पैर नहीं साफ कर सकते, मैं तो बैठ के नहाती हूँ बाल्टी और टम्बलर से, लेकिन अगर आप खड़े होकर शावर लेते हो, आप नीचे नहीं झुकना चाहते, तो इससे भी आप अपने फुट अच्छे से क्लेंस कर सकते हो। आप इसको ऐसे पकड़ोगे, यहाँ पर आप अपना फुट प्लेस कर सकते हो, एंड देन यू कैन क्लीन योर फुट, तो नीचे की साइड से आपका फुट भी काफी सही तरीके से क्लेंस हो जाता है। आई रियली लाइक इट, आई थिंक काफी चीप प्राइस पे आपको अमेजोन से मिल जाते हैं, यू कैन डेफिनेटली ट्राई भी। सो हमने आईब्रोज को ग्रूम कर लिया, मस्कारा भी लगा लिया, बालों का भी ध्यान रख लिया, बॉडी को भी क्लीन कर लिया, लेकिन हमारे जो रह गए हैं वो है नेल्स, हाथों और पैरों के नेल्स, यार उनका भी ध्यान रखा करो, उसको भी ग्रूम करना काफी जरूरी होता है। सो उसके लिए मेरे पास ये मैनिक्योर पेडिक्योर किट, जो लिटरली एक बार्बी डॉल सेट की तरह लगती है, बट डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। सबसे पहले है हमारे पास ये फुट क्लेंजिंग के लिए, क्या कहते हैं इसको, डेड स्किन निकालने का बेसिकली जो टूल होता है, आप इसे अच्छे से अपनी जो एड़िया होती है उसकी डेड स्किन निकाल सकते हो। हमेशा अपने नीचे फुट को भी स्क्रब किया करो, बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा डेड स्किन अगर एक्यूमुलेट हो जाती है ना, तो आपकी जो एड़िया है वो क्रैक होनी शुरू हो जाती है, फिर वो बहुत गंदी
हेल्दी लगती हैं, सो डेफिनेटली यूज दीज इन योर लाइफ. देन नेक्स्ट वी हैव दिस थिंग जिसको मैंने अभी नहीं खोला बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक लोकल मार्केट से एक सिंगल ऐसा प्रोडक्ट लिया था, तो वो मेरा अभी चल रहा है. जब वो बिल्कुल घिस जाएगा ना मैं तब इसको यूज करने वाली हूँ. बट इसकी और उसकी जो क्वालिटी है या फिर जो दिखते हैं ना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. सो ये बेसिकली क्या है, ऐसा टूथब्रश जैसा मटेरियल होता है लेकिन ये जो इसके ब्रिसल्स है इसके टूथब्रश से ज्यादा हार्श होते हैं. सो उसको आपको ऐसे पकड़ना होता है, लाइक अपने फिंगर में इसको आपने ऐसे स्टक कर लिया एंड देन यू कैन क्लीन योर नेल्स, यू कैन क्लीन योर फुट नेल्स एज वेल. हम काफी बार स्नीकर्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, बेलीज पहनते हैं, हम गर्मी में स्वेटिंग होगी ना तो वहाँ पे नेल्स में अजीब सा मैल इकट्ठा हो जाता है, काफी लोगों को वहाँ पे बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है. तो आप जब भी नहाते हो ना आप वही अपना सोप पे इसको थोड़ा सा रब करके फिर अपने नेल्स को क्लेंस कर सकते हो या फिर आप टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हो. मैंने अपने बहुत पहले एक हैक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मैनिक्योर करके दिखाया था घर पे, आई थिंक लॉकडाउन के टाइम बनाई थी. तो आप एक बेसिक जो व्हाइट कलर का टूथपेस्ट होता है ना इसके ऊपर लगाओ एंड क्लेंस योर नेल्स. ट्रस्ट मी उन टूथपेस्ट से आपके नेल्स बहुत सही क्लेंस हो जाते हैं. अगर आपको किसी नेल पेंट का वो कलर रह गया ना काफी बार आपके नेल्स पेल हो जाते हैं तो उससे काफी अच्छे से वो चले जाते हैं, वो फेड होना शुरू हो जाता है. सो ये काफी ज्यादा काम आता है. देन नेक्स्ट अप वी हैव अ शिमरी शिमरी बफर जो बेसिकली बफिंग टूल होता है, अपने नेल्स को बफ कर सकते हो. सो एक शिमरी साइड है इसमें पिंक कलर की, एक ब्लैक वाली साइड है, तो आप इससे अपनी नेल्स की बफिंग कर सकते हो. देन नेक्स्ट वी हैव अ टो सेपरेटर, इसको टो सेपरेटर बोला जाता है बिकॉज जब भी हम पैरों पे नेल पेंट लगाते हैं ना हमारे टोस कभी कभी ऐसे चिपके रहते हैं, फिर नेल पेंट बहुत अजीब लगती है, तो इसके थ्रू अपने टोस को सेपरेट कर सकते हो, फिर आप इजिली नेल पेंट अप्लाई कर सकते हो. देन नेक्स्ट वी हैव अनदर क्यूट बफर या फिर जो भी बोलते हैं फाइलिंग करने के लिए, कुछ ऐसा स्माइली की तरह दिखता है. सो दिस आउट लुक्स लाइक वेरी वेरी क्यूट. सो इससे भी आप इसे अपनी नेल्स को फाइल कर सकते हो. देन वी हैव क्यूटिकल रिमूवर. काफी बार लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे क्यूटिकल्स हो जाते हैं पैरों में, मुझे काफी ज्यादा क्यूटिकल्स हो जाते हैं. मैं साइड के जो डेड स्किन है उसको रिमूव करती हूँ, तो ये बेसिकली वो है. यू कैन सी लाइक दिस, ये कुछ ऐसा दिखता है. एंड वी हैव अ वेरी टाइनी नेल कटर, लिटरली बच्चों का नेल कटर लग रहा है, छोटा सा नेल कटर है. आप इसके यार ट्रैवल भी कर सकते हो. अगेन ये किट एकदम ट्रैवलिंग के लिए परफेक्ट है, छोटा सा एक होना चाहिए इमरजेंसी के लिए अगर आपका नेल टूट जाता है फिर आपको ट्रिम करना होता है. एंड वी हैव अ क्यूटिकल पुशर एज वेल. काफी बार हम यहाँ पे क्यूटिकल्स जब बढ़ जाते हैं यू कैन जस्ट पुश देम लाइक दिस और फिर आप क्यूटिकल रिमूवर से उसको हटा सकते हो. सो ऐसे करके आप लिटरली अपना मैनिक्योर पेडिक्योर घर पे ही कर सकते हो. दिस किट इज एवरीथिंग. फाइंड इज परफेक्ट फॉर ऑल द गर्ल्स जो सबके मेकअप ट्यूटोरियल देखती हैं, अच्छी अच्छी लैशेज उनको लगाते हुए देखती हैं, लेकिन जब मेरी जैसी लड़कियां वो लैशेज लगाने बैठती हैं वो लगती ही नहीं है. मतलब मैंने तो बहुत ट्राई किया, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, मुझे एक घंटा तो शायद लैशेज लगाने के लिए चाहिए. सो उसके लिए सबसे बेस्ट टूल है वो है ये मैग्नेटिक लैशेज. यस, अगर आपको नहीं पता, अगर आप बिल्कुल अनअवेयर हो मैग्नेटिक लैशेज के बारे में, ये आई लैशेज आती है फेक जिसके अंदर मैग्नेट लगे होते हैं, आप उसको इजिली अप्लाई कर सकते हो. मैं आपको बताती हूँ कैसे. मैंने ऑलरेडी इसका कशी को रिव्यू कर दिया, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करें प्लीज गो देयर एंड फॉलो मी. मैं वहाँ पे बहुत सारे कशी को रिव्यूज करती हूँ, मैं आप इंसर्ट भी कर दूंगी और मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी उसका अगर उसको सेव करके रखना है. सो ये फ्रॉम द ब्रांड कलाइलिस मैग्नेटिक आई लैश एंड आई लाइनर किट. इसके अंदर आपको 5 पेयर मिलते हैं. मेरे पास जो इसका किट का नेम है CY05. इनकी बहुत सारी किट आती है तो मैं आपको अपना कोड बता रही हूँ. सो मेरे वाली जो किट है इसके अंदर ये वाले आपको लैशेज मिलती हैं, आपको एकदम थिन भी मिलती हैं, ऐसी ड्रामेटिक भी मिलती है, वॉल्यूमनाइजिंग भी मिलती है, ऐसी क्रिस क्रॉस भी मिलती है. सो ये तो हो गई हमारी लैशेज. और साइड में आपको दो आई लाइनर जो दिख रहे हैं ना ये नॉर्मल आई लाइनर नहीं है, ये मैग्नेटिक आई लाइनर है. सो ये जो लैशेज है ना इसके अंदर छुछड़े मैग्नेट्स हैं, लैशेज के बीच बीच में ऐसे छुछड़े 4-5 मैग्नेट है और इन आई लाइनर्स के अंदर भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं. सो आपको इस आई लाइनर को पहले थिक फॉर्म में लगाना होता है. आप प्लीज ये जाके रील देखना, मैंने उसके अंदर वॉइस ओवर डाला है कि मैंने कैसे अप्लाई किया है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी. सो आईलाइनर को थिक लगाया, इसको थोड़ी देर सूखने दो और फिर आप कोई भी लैश पिक करोगे ना वो एकदम टक करके चिपक जाएगी. मतलब कितना कूल लगता है यार, अपने आप ही लैश चिपक जाती है, बिल्कुल उसको सेट नहीं करना पड़ता बिकॉज जहां ऑब्वियसली मैग्नेट होगा वहीं पर लैश जाके अपने आप स्टिक हो जाती है और ये स्टे भी करती है. मैं इसको 100% नहीं बोलूंगी वाटर प्रूफ है, लाइक आपको रोना आएगा तो आई थिंक ये डेफिनेटली उतर जाएगी, लेकिन अगर आप 2-3 घंटे किसी फंक्शन में जा रहे हो ना डेफिनेटली ट्राई इट. ये बहुत अच्छे से स्टे भी कर जाती है, आईलाइनर भी इतनी जल्दी रिमूव नहीं होता. प्लस इसके साथ आपको ये एप्लीकेटर भी मिल रहा है जो कुछ इस तरह का होता है. इट इज बेसिकली अ टूल. सो इसके थ्रू आप अपनी लैशेस को पिक भी कर सकते हो. आप यहाँ से अपनी लैशेस को ऐसे पिक करके फिर डायरेक्टली ऐसे स्टिक कर सकते हो. मुझे थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी आईज को पोक कर दूंगी, तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया. मैंने हाथों से डायरेक्ट लगा दी थी और वो फटाफट अपने आप ही चिपक जाती है. सो ओवरऑल आई रियली लाइक इट. अनदर अमेजिंग अमेजॉन फाइंड फॉर ऑल द गर्ल्स हु स्ट्रगल वाइल अप्लाइंग लैशेस. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट आइटम जो लिटरली अभी रिसीव हुआ है, तो मैं फटाफट आप सबके सामने टेस्ट करके बताती हूँ कि वर्क करता है फिर नहीं करता. अदरवाइज मैं एक इन डेप्थ वीडियो भी बना दूंगी अगर आप चाहते हो तो, बिकॉज आजकल ये एपिलेटर
वाले जो ऐसे टूल्स है ना बहुत ज्यादा चल रहे हैं ना. जो ब्राउन का आता है वो आता है 2000 का इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एपिलेशन मुझे सूट करेगी नहीं करेगी, मुझे एक्ने तो नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ज्यादा उसमें पहले इन्वेस्ट नहीं किया. मैंने सस्ता सा टूल ले लिया, ये फ्रॉम द ब्रांड ब्लॉलेस, मतलब ब्रांड का नाम ही बड़ा अजीब है. ब्लॉलेस क्या होता है, फ्लॉलेस की जगह ब्लॉलेस बना दिया. ये बैटरी ऑपरेटेड आईब्रो ट्रिमर शेवर फॉर लेडीज, इसके अंदर एक शेवर मिलता है और आपको एक छोटा सा आईब्रो ट्रिमर भी मिलता है. जो ब्राउन वाला ना उसमें खाली शेवर मिलता है, छोटा नहीं मिलता हेड जिससे आप आईब्रोज भी ट्रिम कर सकते हो, इसके अंदर मिलता है, 2-in-1 है ये. तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस तरह से दिखता है, काफी ग्लिटरी पैकेजिंग और ये लिटरली रियल लाइफ में भी ऐसे ही ग्लिटरी ग्लिटरी आया है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पे आपको चार्जर मिलता है, आप इसको किसी भी अपने नॉर्मल फोन का जो चार्जर होता है प्लग इन करके इसको चार्ज कर सकते हो. मैंने भी चला के देखा था, ये चल रहा है तो मुझे अभी चार्ज करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज हाउ द आईब्रो शेवर ट्रिमर एप्लीकेटर एपिलेटर आई डोंट नो व्हाट एवर यू से कुछ इस तरह से दिखता है. काफी शिमर एंड शाइनी सा है ये. एंड यहाँ से हमें लेडीज की निकालेंगे. सो इसमें यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इसको मैं जैसे ही ऊपर करती हूँ ना ये ऑन हो जाता है. एंड यू हैव टू लिसन टू द वॉइस नाउ. मतलब जो मैंने फर्स्ट टाइम ये आवाज़ ही सुनी थी ना, फर्स्ट टाइम क्या अभी एक घंटे पहले जब मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी मैं खुद डर गई थी कि एक मिनट. तो मैंने इसको ना हाथ पैसे करके देखा था और मेरे हाथ के बाल लिटरली इसने थोड़े थोड़े निकाले हैं. सो आई थिंक मुझे इससे उम्मीद है. सो इसके अलावा इसके साथ ये हेड भी मिलता है जिसको आप रिमूव करके आई थिंक अटैच कर सकते हो. मुझे इसका इसके अंदर मैनुअल है, मुझे पढ़नी पड़ेगी. आई एम नॉट रियली श्योर ये कैसे वर्क करेगा. वो भी यहाँ पर क्लीनर एज वेल, यहाँ पर छोटा सा क्लीनर जिसके थ्रू आप इसको क्लीन भी कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे बाल काफ़ी बार ऐसे स्टक हो जाते हैं. सो ये मुझे देखना पड़ेगा कि मैं इसको कहाँ से क्लिक करके हटाऊँ ताकि ये आईब्रो वाला लग जाए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना सी कि ये एक्चुअली बाल हटाता है फेस के नहीं हटाता. वैसे तो मैंने अभी मेकअप किया हुआ है बट एक बार देखते हैं, मेरी हल्की हल्की अपर लिप्स की ग्रोथ आई हुई है. मेकअप के ऊपर आपको ज़्यादा शायद पता नहीं चलेगा बट लेट्स सी. ये भगवान दाने ना हो मेरे को यार काफ़ी बार. ओके और हल्की सी इसमें लाइट भी है जिसका कोई काम नहीं है. एक तो लिपस्टिक में ही स्मज हो गई बट एक मिनट डेफिनेटली यहाँ से बाल निकले हैं. मुझे यहाँ पे दो तीन लेट मी फील इट. नो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा. माय गॉड ये एक्चुअल में एपिलेटर है, ये प्रॉपर निकाल रहा है अंदर से. बिकॉज मैं शेव करती हूँ आई थिंक काफ़ी बार ऐसे से ना फील होता है तो ये डेफिनेटली अंदर से निकाल रहा है. आई थिंक मुझे इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए. मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ. अगर मुझे एक ब्राउन का सस्ता ड्यूप इतने प्राइस में मिल रहा है तो आई थिंक डेफिनेटली येस. अभी तक तो मैंने इसको मेकअप पे टेस्ट किया, इस पैच से इसने डेफिनेटली थोड़े से बाल निकाले हैं, यहाँ से भी मेरे बाल हल्के हल्के निकले हैं. सो आई थिंक अभी तक तो मैं इसको ठीक ठाक बोल सकती हूँ बट वेट फॉर अ प्रॉपर रिव्यू. तो फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से बाल डेफिनेटली इसने यहाँ से निकाले हैं, यहाँ से भी निकाले हैं. बट मैं थोड़ा सा टेस्ट करना चाहती हूँ कि एक्ने स्किन पे कोई रिएक्शन तो नहीं दे रहा है, फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. जो हेयर ग्रोथ आएगी वो कैसी आएगी बिकॉज ये एपिलेशन है, ये अंदर से बाल ऐसे निकाल रहा है. ऑल्दो मुझे पेन बिल्कुल फील नहीं हुई, आई थॉट मुझे पेन ऐसे फील हुई खिंचती हुई बट आई एम नॉट रियली श्योर कि ऊपर ऊपर से ट्रिम कर रहा है बिकॉज काफी स्मूथ मेरी स्किन फील हो रही है. फील लाइक प्रॉपर इसने अंदर से जैसे आप अपर लिप्स कराते हो ना वैसा मुझे फील हो रहा है. सो लेट्स सी अगर ये एक्चुअल में बहुत अच्छे से वर्क करता है जब मैं इसको प्रॉपर विदाउट मेकअप टेस्ट करूंगी. आपको मेरे नेक्स्ट मंथ के फेवरेट्स में डेफिनेटली दिख जाएगा, अगर नहीं दिखा तो समझ आना. अदरवाइज मैं इसका कशी क्विक रिव्यू बनाने की कोशिश करूंगी ऑन माई इंस्टाग्राम. सो ये थे सारे मेरे फेवरेट अमेजॉन ब्यूटी ग्रूमिंग फाइंड्स. प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कुछ और भी ब्यूटी फाइंड्स अगर आपको मिलता है ग्रूमिंग के लिए अमेजॉन से, कुछ अतरंगी सा कुछ मिलता है जो मुझे ट्राई करना चाहिए अमेजॉन से, प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना. या फिर आप बताओ आपका कौन सा ऐसा ग्रूमिंग टूल है जो मैंने शायद यहाँ पे मेंशन ना किया हो जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है एट होम ग्रूमिंग में. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. मैं एक माय हॉल स्टोर का लिंक दूंगी, उस पर क्लिक करना आपके सारे प्रोडक्ट इजिली विजिबल होंगे. सो यू कैन शॉप इजिली फ्रॉम अमेजॉन. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.